वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी और अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और आज खाने में है बच्चों और हस्बैंड के लिए पाव भाजी की सब्जी मिक्स, जिसमें यहाँ मैं ओनियन और गार्लिक अदरक की पेस्ट के साथ ये कैप्सिकम को भून रही हूँ अच्छे से, और यहाँ लहसुनी मेथी बनाई है मेरे लिए, हस्बैंड भी थोड़ी सी खाएंगे। यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ और कल संक्रांत का वीडियो आपने देखा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कितनी सारी चीज़ें बनाई थी संक्रांत के दिन और बहुत अच्छे से मस्ती की है। मैं तो नहीं गई थी ऊपर, लेकिन बच्चे और हस्बैंड गए थे थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। इसको भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी और यहाँ मैंने सब्जियाँ बॉईल की है। सब्जियों में 2 बैंगन है जिसके मैंने छिलके निकाल दिए थे क्योंकि बच्चों को बैंगन पसंद नहीं है, तो ये एक अच्छा आइडिया है। बैंगन के छिलके निकाल दिए थे, मटर है और आलू है बस, और थोड़ी इतनी सी गोभी थी मेरे पास जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया क्योंकि काफ़ी पुरानी थी, तो अगर मैं काटती तो वो शायद जल्दी बॉयल नहीं हो पाती, तो मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया। मैं ये नहीं खाऊंगी बिकॉज़ इसमें गोभी है और थायराइड में गोभी खाना मना है, तो मैंने अपने लिए ये लहसुनी मेथी बनाई है। मैं इसको पराठे के साथ खाऊंगी। पाव भाजी किसी भी तरह से किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं, ये नहीं है कि आपको ये। अब अच्छे से भुन चुकी है प्याज और कैप्सिकम। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी थी और 1 बड़ा सा कैप्सिकम। अब इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक कि टमाटर नरम ना हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इस टाइम पे ताकि नमक अपना पानी छोड़ दे और टमाटर गल जाए। टमाटर गल चुके हैं, तेल भी उसने छोड़ दिया है। अब ये थोड़ी सी मैश की हुई जो सब्जियां हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसका वाटर इसके साथ ही अंदर जाएगा। यहाँ मसाले डाले थे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और धनिया जीरा पाउडर डालकर ये इन सबको मैंने भून लिया है। अब मसाले थोड़ी देर पकेंगे, अपना तेल छोड़ देंगे, इसके बाद हम ये जो बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे। पानी मैंने नहीं निकाला है क्योंकि इसमें ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल स्टॉक है, इस वजह से इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें से मसाला अच्छे से पक जाए, अपना तेल छोड़ने लगे। वैसे इसमें तेल छूटने ही लगा है, अच्छे से ये भुन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ। ये देखिए मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स इसमें डाल दूंगी। अभी चौटवा वेजिटेबल्स इसमें डाल दिए। अब मसाले करूँगी, नमक वगैरह, और इसको उबलने देंगे अच्छे से। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, फिर से थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और हल्की सी हल्दी, बस इतनी सी। और थोड़ा डालूंगी मैं पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला ज़्यादा ना गिरे इसका ध्यान रखिएगा, वरना आपके गले में जलन होगी। मुझसे कई बार ये गलती हो चुकी है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे, फिर दोबारा एक बार उसको मैश कर लेंगे और हमारी पाव भाजी रेडी। वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी है और मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी सी तैयार होने। मुझे जाना है मदर इन लॉ के घर क्योंकि सिस्टर इन लॉ आई हुई है, वो आज शाम को वापस जा रहे हैं अपने घर, तो वहाँ उनसे मिलने जाना है। और रात का डिनर में अभी कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है, मैं क्या बनाऊँगी बच्चों के लिए। नहीं, रात का डिनर तो रेडी हो गया है, भूल गई मैं।
ये मूली के जो भाजी के परोठे थे मतलब ढेबरा, वो मैंने दोपहर को ही जब मैं सुबह का जो लंच जब ख़त्म हुआ तो किचन खाना करते वक्त थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो मैंने उसी टाइम मैंने आटा गूंथकर ये पराठे बना दिए थे ताकि शाम को मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो मूली के पराठे रेडी हैं, बच्चे ये खा लेंगे, हस्बैंड नहीं खाएंगे, वो शाम को मूली नहीं खाते हैं। तो ये पराठे चटनी है, गुड्डू सॉस के साथ खाएगा, त्रुही चटनी के साथ खाएगी। मैं क्या खाऊंगी, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर मी टुडे। आज आज वैसे भी मेरा टमी काफ़ी हैवी है क्योंकि सुबह मैंने जो मैंने आपको बताया था कि मेथी जो होती है उसकी लहसुनी मेथी मैंने बनाई थी मेरे लिए, और सबने थोड़ी थोड़ी खाई, और उन सब के लिए जो पाव भाजी का जो सब्जी थी वो बनाई थी। तो मैंने इतनी सब्जी खाई, थोड़ी सब्जी खाई थी, और जो भाजी थी वो मतलब सिर्फ भाजी खाई, रोटी वगैरह नहीं खाया। तो काफ़ी अभी टमी मेरा हैवी लग रहा है, तो मैं शाम को कुछ भी नहीं खाने वाली, ये पक्का है। अगर भूख लगी तो जो चने मैं लाई हूँ, जो मेरे हस्बैंड लाए हैं, हम लोग खाते हैं, वो चने मैं खा लूँगी, उससे मुझे काफ़ी थोड़ा सा मेरा टमी मुझे फुल फुल फील होता है मुझे। तो बस ये है, अभी 6:30 बजते ही मैं भगवान जी का दिया कर दूंगी। अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होना क्या है, मैं बस इस पर स्वेटर पहन लूँगी और थोड़े से बाल अच्छे कर लूँगी। कपड़े वहाँ पड़े हैं जो त्रुही आकर समेट लेगी, वो और मेरे हस्बैंड वॉक पर गए हैं। मैं एक्चुअली मैं जाने वाली थी लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा विकास। हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 16th of January और मैं यहाँ पुलाव बना रही हूँ। ये सारा जो वेजिटेबल्स है उनको मैंने सौते कर लिया है, ये चावल को भिगो दिया है। और मेरे लिए मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ, जिसका बैटर मैंने पहले बना कर रखा था, और ये चीले हैं। इसके साथ मैं दही बना जमा हुआ दही खाऊंगी, जिसको मैंने रेजिन्स डालकर दही जमाया हुआ है, पीछे पुलाव का कुकर रखा हुआ है। और ये है दही बस, और ग्रीन चटनी के साथ मैं आज का मेरा लंच कंप्लीट करूँगी। सी, दिस इज़ ब्लैक रेजिन्स, जो मैंने आपको भी बताया कि मैंने कर्ड जब जमाया था तब ये इसको डालकर मैंने दही जमाया था। इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक, थायरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सभी में ये दही काफ़ी हेल्पफुल करता है। और अगर आप का पीरियड्स भी अगर आपके रेगुलर नहीं है तो भी आप ये दही खा सकते हैं, मतलब पीसीओडी पीसीओएस में भी ये काम करता है। मुझे कल तक नहीं पता था लेकिन अभी आज मैंने दोबारा जब सर्च किया तब पता चला कि ये कर्ड पीसीओएस और पीसीओडी में भी वर्क करता है। तो आज मेरा ये लंच का मेन्यू ये है, मूंग दाल चीला, ये एक छोटा सा चीला जो लास्ट में बैटर बच गया था, वो वरना मैं दो ही खाने वाली थी, ये एक और दो। और अब मैं ग्रीन चटनी जो मेरी है वो मैं लाऊंगी, वेट लॉस चटनी, जिसकी रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूंगी दोबारा, वो अब मैं लेने जा रही हूँ। तो ये कर्ड चीला और मेरी चटनी। तो देखिए मेरा लंच 11:30 बज चुके हैं, मैं लंच इतनी जल्दी ले लेती हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है ब्रेकफास्ट, मैं नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए मैं ब्रंच ले लेती हूँ, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का इस टाइम पर। तो ये दिस इज़ माय ब्रंच, ओके, मिलती हूँ आपको इसको खाने के बाद। सच में ये दही काफ़ी डिलीशियस है, आप अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मैं तो वो भी नहीं डाला, जो रेजिन्स है वो अपने आप में वो दही में अपनी मिठास छोड़ रहा है, तो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट है इसका, और चीले के साथ तो और भी हो जाता है। ये चीला जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, तो बैटर ज़्यादा था तो मैंने डिफ में रख दिया था, तो आज सुबह मैंने निकाला तो मैं वही खा रही हूँ।
ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी हेल्दी है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी मेरा एक वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ, फर्स्ट वीडियो विथ माय रिंग लाइट, माय मेकअप वीडियो, जो मैं मेरी गुजराती मेकअप की चैनल है उस पर मैं अपलोड करूँगी। और वो मेकअप वीडियो है सिंपल मेकअप लुक, जो आप किसी भी आउटफिट पर, किसी भी एज वाले, किसी भी टाइम पर वेयर कर सकते हैं। ऐसा मेकअप लुक है। अगर उसके मेकअप करने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगा तो वो वीडियो मैं अपनी इस चैनल पे भी मैं अपलोड करूंगी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया है, तो वो मैंने एक ये मंगवाया है, स्विस ब्यूटी का प्राइमर कम मैट फिंग सेटिंग पाउडर है। ये वाइट कलर का है, मैंने आपको बताया था मेरे पास वाइट कलर का नहीं है, मेरे पास पुराना जो था वो क्रीम कलर का था, जो मार्स का मैं यूज़ करती थी, और ये वाइट कलर है इसका। आई होप आपको दिख रहा होगा, वेट, ये वाइट कलर वाला है। उसके बाद मैंने ये मंगवाया था हिलेरी रोडा का 16 आई शेडो पैलेट, मैं बंद कर देती हूँ पूरा आपको दिखेगा नहीं। ये उसका पैकेजिंग है कवर, और ये है वो सारे शेड जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और जो मेरे पास नहीं थे, ये है। और मुझे ये येलो चाहिए था, ये पर्पल चाहिए था, काफ़ी सारे जो मैट कलर हैं जो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने ये हिलेरी रोडा का ये पैलेट मंगवाया है। इसकी कीमत जो थी उससे मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि मुझे इससे ज़्यादा पे करना पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग अमेज़ॉन से अगर कुछ भी मंगवा रहे हो तो प्लीज़ डोंट पे कैश ऑन डिलीवरी, प्लीज़ आप पहले ही पेड कर दीजिए अपने क्रेडिट कार्ड से, या जो भी आपका कार्ड यूज़ है उसे यूज़ करते हैं अमेज़ॉन पे वगैरह, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगेन मैंने ये मेरे आई शेडो ब्रश जो थे काइली के, उसके 4 सेट है, वो मैंने वापस मंगवाए हैं। मेरा जो ये ब्लेंडिंग ब्रश था पुराना वाला, वो काफ़ी मैंने एक बार जो उसको वॉश किया था इस तरह से रगड़ के, तो उसके जो ब्रिस्टल्स थे वो सारे फ्लावर की तरह फैल गए हैं, तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने ये 4 वापस मंगवाए हैं। इसका भी मैंने ज़्यादा पे किया है, बाहर हस्बैंड बैठे हैं उनको नहीं बताया, विमेन सिगरेट। और ये है मार्स का मैंने आईब्रो पैलेट मंगवाया है, मेरे पास ये भी नहीं था, तो ये है उसके 4 शेड, एक ब्लैक है, डार्क ब्लैक, एक थोड़ा लाइट ब्लैक, ब्लैक ये डार्क ब्राउन और ये लाइट ब्राउन है। इसके साथ ये दो ब्रश दिए गए हैं, ये स्पूली है ये छोटी, और ये इस तरह का एंगुलर ब्रश है, और दूसरी टाइप ये स्मजर ब्रश है, स्मजर है। तो ये है, इसकी कीमत 178 या इतनी थी, लेकिन मैंने इन सब का 251, 253 और 273 उतना पे किया है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूँगी जितना मैंने पे किया है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैश ऑन डिलीवरी मत कीजिए, ओके। तो बस अभी मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, वीडियो बनाने के बाद आपसे वापस मेरे लुक के साथ आपसे मिलूँगी। रिंग लाइट में मज़ा तो आता है, कुछ लुक तो चेंज होता है। फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ वीडियो बनाने के टाइम, कौन सी लाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं मेकअप के लिए ये मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं रिंग लाइट यूज़ करके बना रही हूँ, तो अगर आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बिलो कीजिएगा कि मेकअप करते टाइम कौन सी लाइट रखते हैं। फ़िलहाल मुझे ये जो थोड़ी सी ब्लू वाली है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ी इवनिंग टाइम, जैसे शाम के टाइम संध्या निकलती है ना, उस टाइम की फीलिंग दे रही है, उस टाइप की। और ये काफ़ी वाइट है, तो मैं ये थोड़ा सा जो ब्लू वाला है वो मैं अभी यूज़ करूँगी मेरे जो मैं मेरी चैनल पे जो मेकअप का मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए,
ओके, तो चलिए मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। और आज मैंने क्या खाया ये आपने देख लिया, और शाम का कुछ अभी अंदाज़ा नहीं है कि मैं शाम को क्या डिनर में बनाऊँगी, लेकिन बच्चों के लिए बनाऊँगी। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं खाऊँगी। मैंने दोपहर को मुझे भूख लगी तो मैंने इतने जो चने आते हैं हमारे वो चने मैंने खाए, उससे मुझे काफ़ी मेरा टमी मुझे फुल लगता है तो वो, और मैं रेगुलरली मैं टोमेटो सूप ही अभी प्रीफर करती हूँ, तो मैं वो टोमेटो सूप पी लूँगी। उससे मुझे काफ़ी मतलब संतुष्टि मिलती है, मेरा पेट भर चुका है। ऐसा सुबह मैंने जो आपके साथ शेयर किया था, मैंने दो बड़े मतलब बड़ी साइज़ और छोटा सा इतनी साइज़ का तीन चीले खाए हैं मूंग दाल के, उसके साथ कर्ड था जो रेजिन के साथ मैंने कर्ड बनाया था अकॉर्डिंग टू रुजुता दिवाकर, और मैंने चटनी ली थी धनिए की डाइट चटनी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो मैंने पहली बार बनाई थी तो मैंने देख कर बनाई थी तो मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई। अगली बार मैं बिना देखे मतलब मुझे रेसिपी देखनी पड़ती है कि ये रेसिपी है, मैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस नहीं हूँ कि मैं अपने आप ऐसे बना लूँ, मुझे वीडियो देखकर मैं बनाती हूँ। तो मैंने बनाई थी और मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए तो आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। बाय बाय। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अभी भी ये मेकअप लुक कम्प्लीट किया है, सिंपल मेकअप लुक है। आप किसी भी आउटफिट पर मक्खियाँ आ रही है लाइट में, सिंपल आउटफिट मेकअप लुक है। आप किसी भी आउटफिट पर किसी भी फंक्शन में किसी भी एज वाले ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये मेकअप लुक ज़रूर अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करना चाहूँगी। तो सुबह का थोड़ा सा जो पुलाव है वो अभी पड़ा है, तो शायद वो त्रुही या गुड्डू दोनों में से खा लेंगे। मेरे हस्बैंड की मीटिंग है तो वो बाहर गए हैं, मतलब वो बाहर खाने वाले हैं, मीटिंग में जाना ज़रूरी है, और त्रुही का कुछ खाने का मन नहीं है। और मैं एज यूजल अपना टोमेटो सूप में पी लूँगी। ओके, तो फिर टोमेटो सूप पीने बनाते वक्त बनाने के बाद मैं आपसे वापस बात करती हूँ, और ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके बाद मैं सूप पीऊँगी, उसका वीडियो थोड़ा सा दिखाकर मैं वीडियो एंड करूँगी, मुझे ये वीडियो भी अपलोड करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिए। मैं मेरे वेट लॉस की सारी अपडेट्स मैं इंस्टा पर मेरे अकाउंट पर मैं अपडेट करती रहती हूँ। ओके, तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय बाय। हेलो, मेरा जो वीडियो था वो हो चुका है, और मैं कपड़े चेंज कर ली है, फेस अभी वॉश करना बाकी है, और यहाँ मैं मेरी टोमेटो सूप की तैयारी कर रही हूँ। कुकर रख दिया है, थोड़ा सा लेट हो गया आज, 8 बजे से पहले मुझे सूप पी लेना चाहिए, लेकिन सूप है इसलिए चलेगा। अगर कुछ खाना अगर आप खा रहे हो तो आपको 8 बजे से पहले आपका डिनर ले लेना चाहिए। ओके, अब मैं आपको सूप बनने के बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक मैं अपना मेकअप रिमूव कर लूँ और फिर ये वीडियो मैं एंड करूँगी। ओके, बाय बाय। तो मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और मेरा टमाटो सूप बिल्कुल रेडी है, आप देख लीजिए। इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स और वो हर्ब्स डाला है, ओरेगानो, बस वही। अब मैं ये पी लूँगी, 8:30 बज चुके, आज काफ़ी देर हो गई, वरना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले मैं अपना डिनर ले लूँ। ओके, तो चलिए मिलूँगी कल आपको अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।